नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास हमारी है फिफ्थ। इससे पहले कि आपने लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, थर्ड और फोर्थ नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टॉपिक आज का हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, और सब्जेक्ट आपको पता ही है, मेजरमेंट चल रहा है। क्लासेस हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है और यूजफुल है इन सभी एग्जाम के लिए। बिना समय को जाया किए हुए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज की क्लास का, द स्टैंडर्ड सेकेंडरी करंट फॉर ए करंट ट्रांसफॉर्मर इज, जो अपना करंट ट्रांसफॉर्मर होता है उसके लिए स्टैंडर्ड सेकेंडरी करंट क्या है। बिना सभी ऑप्शंस को चेक किए हुए आपका आंसर क्या होना चाहिए, 5 एम्पियर। किसी भी ऑप्शन में रहे ढूंढ के छाप दो। और इसी के साथ में ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रेशियो एरर इन करंट ट्रांसफॉर्मर इज ड्यू टू, जो करंट ट्रांसफॉर्मर में रेशियो वो होता है एरर, वो किस वजह से होता है। ऑप्शन फर्स्ट पावर फैक्टर ऑफ प्राइमरी, ऑप्शन बी वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ द करंट इन द प्राइमरी, ऑप्शन सी एक्साइटिंग करंट और ऑप्शन डी लीकेज। तो ऑप्शन सी एक्साइटिंग करंट इज द करेक्ट करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रेंज कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, द रेंज कैन बी इंक्रीज बाई यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन है एनर्जी मीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी एमीटर्स, ऑप्शन डी करेंट ट्रांसफॉर्मर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, करेंट ट्रांसफॉर्मर। ठीक है डियर स्टूडेंट, किसी टॉपिक पर या किसी सब्जेक्ट, पूरे सब्जेक्ट पर डिटेल से हम क्लास चाहते हैं तो जरूर बताइएगा, आपकी लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में, जिसमें भी आप चाहते हैं। हमारी टीम के द्वारा बहुत जल्द इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आपको करा दिया जाएगा। हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आप सभी अपने प्रथम प्रयास में जिस भी एग्जाम को चाहते हैं क्वालिफाई करें। क्वेश्चन नंबर फोर, इन ए गिवन करंट ट्रांसफॉर्मर, इफ परमिशिबल करंट रेशियो एरर रेट एट प्राइमरी करंट इन 5% ऑफ द सिटी इज सुटेबल फॉर, ऑप्शन है प्रोटेक्शन पर्पस, ऑप्शन बी मेजरिंग पर्पस, ऑप्शन सी बोथ मेजरिंग एंड प्रोटेक्शन, ऑप्शन डी एस पावर ट्रांसफॉर्मर। तो क्वेश्चन फोर का आंसर चला जाएगा सी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फाइव, द बर्डन वैल्यू इज पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर शुड बी टू अचीव लो एरर इन पीटी। ऑप्शन है लो, ऑप्शन बी हाई, ऑप्शन सी मीडियम, ऑप्शन डी इनफाइनाइट। तो ऑप्शन ए के साथ में क्वेश्चन नंबर फाइव का चला जाएगा आंसर, लो के साथ में। ठीक है, आ रहा है डियर स्टूडेंट समझ में। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर ये प्रश्न थे, इनका आंसर हम पहले से जानते हैं। हम रिव्यू करेंगे सभी क्लासेस में, ओवरऑल जोड़ के जिसके भी सबसे ज्यादा कमेंट होंगे हमारी टीम उनसे संपर्क करेगी। ठीक है, और जो भी हेल्प होगी फाइनेंशियली तौर पे, जिस भी वे में, यहां से कोई गारंटी नहीं दे रही कि इस वे में करेंगे, पर जैसी भी जिस तरह की भी हेल्प होगी उनसे पर्सनली बात करके पर्सनली हमारी टीम मिलेगी और जो भी हेल्प होगी करेंगे। ठीक है, अब रहा क्वेश्चन नंबर सिक्स आपकी स्क्रीन पर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिग्रीज पास्ड थ्रू इन आवर रिवोल्यूशन ऑफ सिक्स पोल सिंक्रोनस अल्टरनेटर इज, ऑप्शन है 360 डिग्री, ऑप्शन बी 720 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री, 1080 डिग्री और ऑप्शन डी 2160 डिग्री। तो इसका आंसर चला जाएगा 1080 डिग्री के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन रहा आपकी स्क्रीन पर और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, इन करंट ट्रांसफॉर्मर ट्रांस कंपनसेशन इज प्रोवाइडेड मेनली टू रिड्यूस द, ऑप्शन है पावर लॉसेस, ऑप्शन बी फेज एंगल एरर, ऑप्शन सी रेशियो एरर, ऑप्शन डी बोथ रेशियो एंड फेज एंगल एरर। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, फेज एंगल एरर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर लाइक दिस क्लासेस प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट अपना, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, पढ़ते रहिएगा।